प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे 1.75 कोटी पात्र परिवार को निशुल्क रोषेई गैस सिलिंडर रिफिल वितरण सेवार शुभारंभ करछन्ते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिवानी सिंह जी न्यू डॉक्टर और अंत में रेणु कश्यप जी शिवनगर खतरा से। और अब मेरा विनम्र अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के उनके उद्बोधन के लिए आशीर्वचन के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार के द्वारा 2 निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए आयोजित आज के समारोह में भारत सरकार के मंत्री और लखनऊ मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री बुक्कल नवाब जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, सुमेश चंद द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव खाद्य श्री आलोक कुमार जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, भारत सरकार के तीनों कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, दीपावली का पावन पर्व की शुरुआत हो गई है और उसी श्रृंखला में आज धनतेरस का पवित्र दिन है। इस अवसर पर आप सबको प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनके लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्प के अनुरूप एक रसोई गैस का फ्री सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को प्रारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर के 1,75,00,000 से अधिक उन सभी लाभार्थियों को जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने इस सौगात को 2016 से उपलब्ध करवाया है उन सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर सन 2016 में रसोई गैस की किल्लत को समाप्त करते हुए उन लोगों तक जो गरीब थे, वंचित थे, कमजोर थे, जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, उन लोगों को भी रसोई गैस का कनेक्शन मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री जी ने
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था और देखते ही देखते देश के अंदर 9,60,00,000 परिवार ऐसे थे जिन लोगों को पहली बार फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हो पाए थे। यह केवल एक कनेक्शन नहीं था, उज्ज्वला योजना का यह सौगात उन्हें घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समय पे स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम की शुरुआत तो थी ही, लेकिन उन्हें विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक उपहार था। हम सब जानते हैं कि धुआं कितना खतरनाक होता है और इसमें फेफड़े अगर समय पे काम न करें व्यक्ति के लिए श्वास लेना कठिन हो जाता है, श्वास फूलती है, चल नहीं पाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है और वह व्यक्ति के लिए कितना संकट हो जाता है। यह हमने पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर कोरोना कालखंड में देखा है, जिनके लंग्स, जिनके फेफड़े कमजोर थे वे लोग कोरोना का सामना नहीं कर पाए, असमय कालकल्पित हो गए। जो नियमित अभ्यास करता है, स्वस्थ दिनचर्या अपनाता है, स्वास्थ्य उसका एकदम उत्तम है, अनुकूल है, वो स्वस्थ है, कोरोना जैसी महामारी आई चली गई, उसका बाल बांका नहीं कर पाई। याद करिए, अगर 2016 में उज्ज्वला योजना नहीं आई होती कितने लोग इसकी बीमारी की चपेट में आए होते, बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाया है उज्ज्वला योजना ने और उनको एक स्वस्थ राह पर चलने का एक मार्ग भी दिखाया है उज्ज्वला योजना ने। हम सब इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने देश के अंदर 9,60,00,000 परिवारों को, यानी परिवार में अगर आप देखेंगे, एक परिवार में अगर 5 लोग भी होंगे तो परिवार कितने लोगों को उन्होंने जीने की एक राह दिखाई। लगभग 50 करोड़ लोगों को केवल एक योजना से सीधे सीधे लाभान्वित करने का काम किया गया। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।